नमस्कार, अर्चना डेलिकेसीज में आपका स्वागत है। आज मैं आलू के कोफ्ते बनाने जा रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और सबको पसंद आता है। आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने करीब करीब 5 से 6 आलू लिए हैं और उसको बॉयल करके छील के अच्छे तरह से इसको मिला लेंगे। अच्छे से इसको मैश करना है इस तरह से। अब हम इसमें थोड़ी सी घिसी हुई पनीर डालेंगे। पनीर आपके ऊपर है, डालें या ना डालें ये ऑप्शनल है। मैंने ऐसे ही डाल दिया है, थोड़ा सा टेस्ट इससे और अच्छा हो जाता है। बाकी आप पनीर नहीं भी डाल सकते हैं। अब पनीर और आलू को अच्छे से मिला लेंगे। अब उसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच नमक और आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, थोड़ी सी जीरा पाउडर डाल देंगे और आधा कप डाल देंगे इसमें मैदा और इसको अच्छे से मिला लेना है। मैंने आधा कप से थोड़ा सा कम मैदा लिया है और इस तरह से इसका डो तैयार कर लेंगे। अब हम गोल गोल कोफ्ते तैयार करेंगे। इस तरह से गोल गोल कोफ्ते तैयार करके रख लेंगे। अब हम इसको फ्राई करेंगे। मैंने गोल गोल कोफ्ते तैयार करके रख लिए हैं। अब इसको गरम तेल में फ्राई करना है। मैंने तेल रिफाइंड ऑयल लिया है। आप चाहें तो घी में भी इसको फ्राई कर सकते हैं या फिर सरसों के तेल में भी कर सकते हैं। और इसको अच्छे से फ्राई करना है। थोड़े सॉफ्ट होते हैं तो थोड़ा पकने दें, उसके बाद इसको पलटें। ये बहुत टेस्टी बनता है। मैदा डालने से ये और भी अच्छा बन जाता है। इस तरह से इसको हर तरफ से फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है, बहुत ज्यादा हाई पे नहीं, नहीं तो जल जाएंगे और कोफ्ते अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब ये हो चुका है, इसको निकाल लेंगे। अब हम थोड़ा सा तेल उसमें से निकाल के रख लेंगे और उसमें डालेंगे थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला, बड़ी इलायची, लौंग, छोटी इलायची और जीरा। अब डाल देंगे इसमें थोड़ी सी हींग, अगर आपके पास है तो डाल दें, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब मैंने 4 टमाटर और 10 पीस काजू को अच्छे से मिक्सी में चला लिया है, पीस लिया है और उस पेस्ट को इसमें डाल देंगे और इसको चला लेंगे। अब इसको 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ढक के रख देंगे। इधर हम बाकी के मसाले के लिए कटोरी में 1 चम्मच से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और नमक डाल देंगे 1 चम्मच और थोड़ी सी चीनी डाल देंगे, 1/2 चम्मच के आसपास चीनी डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसको मसाले में डालेंगे। इधर हमारा टमाटर और काजू भी फ्राई हो चुका है। ढकने से टमाटर अच्छे से पक जाता है और ग्रेवी भी अच्छी बनती है। अब हम इसमें मसाले डाल देंगे और लगातार इसको चलाते रहेंगे। अच्छे से मसालों को भुनना है। जितने अच्छे से मसाला फ्राई रहेगा उतना अच्छा ग्रेवी तैयार होगा। इसी तरह ढककर फिर से हम इसको 1 से 1.5 मिनट तक ढक देंगे, जिससे सारे मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके। आप देख रहे हैं तेल छोड़ चुका है और मसाला हमारा फ्राई हो चुका है। इसमें डाल देंगे 1 चम्मच कसूरी, कश्मीरी लाल मिर्च, और चला लेंगे। अब देख रहे हैं मसाला तैयार हो चुका है। इसी तरह का
मसाला हमें चाहिए। अब हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला पाउडर आधा छोटा चम्मच। गरम मसाला हमने डाला है, गरम मसाला भी डाला है तो इसलिए ज़्यादा नहीं डालेंगे इसमें। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी मैंने करीब करीब 2 कप लिया है। आप ग्रेवी कितनी गाढ़ी रखना चाहते हैं उसके ऊपर है। ये कोफ्ता थोड़ा सा ग्रेवी सोखता है तो इसलिए पानी थोड़ा ज़्यादा करके ही डालें। 2 कप होना चाहिए पानी, 2 से 2.5 कप। अब ये थोड़ा सा जब खोल जाएगा इसको ढक देंगे 2 मिनट के लिए। ग्रेवी उबलने लगेगा तब हम इसमें कोफ्ते डालेंगे। आप देख रहे हैं ग्रेवी अच्छे से उबल चुका है तो हम इसमें डाल देंगे जो हमने कोफ्ते फ्राई किए थे वो। और कोफ्ते डालने के बाद इसको ढक देंगे और ढक के 1 उबाल आने के बाद हम गैस बंद करेंगे। ज़्यादा इसको नहीं पकाना है क्योंकि कोफ्ता ज़्यादा पकाने से ये टूट जाते हैं। आप देख रहे हैं ये तैयार हो चुका है और कितना यम्मी तैयार हुआ है। आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।